Hey students, welcome back to our channel. Today we're going to continue with chapter current electricity. ये हमारा last topic होगा इस chapter का और important इसलिए है क्योंकि practical में इससे questions बनेंगे, आप practical भी करेंगे इन topics पर, तो जब तक आपका theory clear नहीं होगा तब तक आप practical को उतना confidence से आगे proceed नहीं कर सकते, ठीक है? Discuss करेंगे Wheatstone bridge, meter bridge और potentiometer. Start करेंगे Wheatstone bridge से जो क्रिचॉफ्स लॉ पर बेस्ड है, राइट? लेट्स स्टार्ट. व्हीटस्टोन ब्रिज, किस पे बेस्ड है? क्रिचॉफ्स लॉ. इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ Kirchhoff's law. Second thing, क्यों बनाया है ये setup हमने? To measure unknown resistance. अगर हमारे पास कोई unknown resistance है तो उसको हम measure कर सकते हैं with the help of this instrument. Right? कैसे करेंगे? कैसे इसमें हम KVL, KCL को apply करेंगे? सबसे पहले केवीएल हो या केसीएल हो, उसको अप्लाई करने के लिए हम सर्किट में करंट का डायरेक्शन मेंशन करते हैं, राइट? क्योंकि केवीएल हो या केसीएल, हमारे पास तीन चीजें चाहिए, वोल्टेज, रेजिस्टेंस एंड करंट. वोल्टेज यहाँ पर दिया हुआ है, रेजिस्टेंसेस R1, R2, R3 एंड R4 है. अब हम फोर ब्रांचेस में करंट अज्यूम करेंगे. लेट्स से R1 वाली ब्रांच में हमने I1 करंट अज्यूम कर लिया है, इसमें I2, इसमें I4 और इसमें I3, राइट? तो अब पहली बार तो जंक्शन लॉ से, KCL से हमें यह पता चलता है, अगर आप इस जंक्शन को देखेंगे, इसमें एक अजम्पशन और लेंगे, थर्ड पॉइंट इसमें आप मेंशन करेंगे, जो पॉइंट बी और डी है इसमें बीच में क्या लगा है? गैल्वेनोमीटर. तो इसको बोलेंगे गैल्वेनोमीटर आर्म. जिस आर्म में गैल्वेनोमीटर लगा है उसको बोलेंगे गैल्वेनोमीटर आर्म. आर्म बी डी इज नोन एज गैल्वेनोमीटर आर्म, राइट? फोर्थ पॉइंट, ए और सी के बीच में क्या लगा हुआ है? बैटरी. तो इसको क्या बोलेंगे? बैटरी आर्म. ए सी इज नोन एज बैटरी आर्म, राइट? ये तो आपका बेसिक सा इसका थ्योरी हो गया कि एप्लीकेशन किरचॉफ लॉ का है, अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेगा, गैल्वेनोमीटर आर्म है और इसकी आपकी बैटरी आर्म है, राइट? हटा देते हैं इसको. उसके बाद हम इनिशियल कंडीशन ये अज्यूम कर रहे हैं कि गैल्वेनोमीटर आर्म में करंट नहीं है. अजम्पशन क्या है हमारा? दैट दिस आर्म हैज नो करंट. दैट इज, कैसे इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस पॉइंट को? आईजी इक्वल्स टू जीरो. गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो है, थ्योरी में बोलेंगे तो गैल्वेनोमीटर आर्म हैज नो करंट, राइट? अब हम लूप लगाते हैं. हमारे पास दो लूप हैं, एक लूप ये हुआ और दूसरा लूप ये है. सबसे पहले हम ए बी डी ए इस लूप को सेलेक्ट करते हैं और इसमें लगाते हैं केवीएल. केवीएल क्या कहता है? ऑल द वोल्टेजेस आर जीरो, लाइक सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस इज जीरो इन अ लूप. तो स्टार्ट करते हैं I1 से. यहां का वोल्टेज कितना है? I1 R1. यहां पर गए हम गैल्वेनोमीटर में, इसमें तो कोई करंट है ही नहीं, तो नेक्स्ट क्या है? I2 R2. अब लेकिन आप इसमें एक चीज का ध्यान देंगे कि इसका और इसका डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसको क्या लिखेंगे? माइनस I2 R2 इक्वल्स टू जीरो, ठीक है?
इसको अगर आप थोड़ा सा रिफाइन करेंगे यहाँ से तो ये हो जाएगा आई वन आर वन इज इक्वल्स टू आई टू आर टू विच गिव्स यू आई वन अपॉन आई टू इज इक्वल्स टू आर टू अपॉन आर वन. सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. ठीक है, ठीक इसी तरीके से हम दूसरा लूप लेंगे. बी सी डी बी, बी सी डी बी ये लूप लिया है हमने. इसमें भी लगाएंगे, कहीं से भी स्टार्ट हो जाइए आप. अगर आप ये वाला डायरेक्शन ले रहे हैं आई थ्री आर थ्री, आई थ्री आर थ्री ये एक वोल्टेज है, दिस वोल्टेज एंड दिस वोल्टेज डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस साइन लगेगा. आई फोर आर फोर इज इक्वल्स टू जीरो, इसके अलावा और कोई वोल्टेज नहीं है. अगेन आई थ्री आर थ्री इज इक्वल्स टू आई फोर आर फोर, आई थ्री अपॉन आई फोर इज इक्वल्स टू आर फोर अपॉन आर थ्री. ठीक है, दो लूप लगाए, दो इक्वेशन आई. ये तो केवीएल का पार्ट था. अब इसमें केसीएल कैसे वर्क कर रहा है ध्यान देंगे. केसीएल में हमने पढ़ा है कि किसी जंक्शन पर आने वाला करंट बराबर में जाने वाला करंट, दैट इज इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट. अगर मैं पॉइंट बी की बात करूं तो यहां पर I2 आ रहा है और I4 जा रहा है, इसके अलावा तो इस जंक्शन पे और कोई करंट नहीं है ना, बिकॉज IG इज जीरो, इस ब्रांच में कोई करंट नहीं है, IG इक्वल्स टू जीरो. दैट गिव्स अस I2 इक्वल्स टू I4, I2 इक्वल्स टू I4, ये इनकमिंग है और ये आउटगोइंग है, दैट शुड बी इक्वल. सिमिलरली एट पॉइंट डी I1 आ रहा है और I3 जा रहा है, दैट गिव्स यू I1 इक्वल्स टू I3. कहां से हमने ये डिड्यूस किया है? बाय केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ. ठीक है, अब I2 की जगह पर I4 रखा जा सकता है और I1 की जगह पर I3 रखा जा सकता है, यानी कि मैं इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकती हूँ I2 की जगह पर I4 और I1 की जगह पर I3. इस इक्वेशन को हम ऐसे भी मॉडिफाई कर सकते हैं. अब अगर दो इक्वेशंस का, लेट्स से ये इक्वेशन ए है एंड ये इक्वेशन बी है, अगर दो इक्वेशन का RHS बराबर है तो LHS भी बराबर होना चाहिए, राइट? इसको यहां लिख लेते हैं. इक्वेशन ए कह रही है कि I3 अपॉन I4 इज इक्वल्स टू R2 अपॉन R1, और इक्वेशन बी कह रही है कि I3 अपॉन I4 इज इक्वल्स टू R4 अपॉन R3. इट मींस ये दोनों इक्वल है, विच गिव्स यू R2 बाय R1 इज इक्वल्स टू R4 बाय R3. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फाइनल रिजल्ट. इसको बोलते हैं बैलेंस्ड कंडीशन. क्या बोलेंगे इसको? बैलेंस्ड कंडीशन. व्हाई बैलेंस्ड कंडीशन? बिकॉज इस टाइम पे ये जो आपका स्ट्रक्चर है, ये जो ब्रिज है आपका, ये बैलेंस्ड है. इसमें गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, जीरो करंट है इस ब्रांच में, ये बैलेंस है. अब इसका जो यूज था वो था टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस. तो अननोन रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? इसमें अगर आपके पास चार वेरिएबल्स में से एक अननोन हो तो आप निकाल सकते हैं इसको. लेट्स से इसी डायग्राम में अगर ये आपका अननोन रेजिस्टेंस हो, दिस इज अननोन टू अस, ये आपका स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस हो, तो आप इसको निकाल सकते हैं आर फोर को. ऑब्वियसली बाय दिस इक्वेशन आर फोर इज इक्वल्स टू आर थ्री इंटू आर टू अपॉन आर वन. कोई भी अननोन रेजिस्टेंस आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं. दिस इज थ्योरी. अब प्रैक्टिकली आप इस चीज को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, प्रैक्टिकल में कैसे इस चीज को करेंगे, उसके लिए एक डिवाइस अलग बनी है इस प्रिंसिपल को यूज करके, वो है मीटर ब्रिज. ठीक है, स्टार्ट करेंगे मीटर ब्रिज को और वहां पर हम देखेंगे कि प्रैक्टिकली ये चीज कैसे इंप्लीमेंट की जा सकती है.
ओके, मीटर ब्रिज का ये सेटअप है। देखेंगे जो आपका हमने वीट स्टोन ब्रिज बनाया था उसी सेटअप को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया गया है। सेटअप ए बी सी एंड डी, ए और सी के बीच में बैटरी कनेक्टेड थी, ए और सी पॉइंट के बीच में बैटरी कनेक्टेड है, बी और डी के बीच में गैल्वेनोमीटर था, दिस इज द बी पॉइंट, दिस इज द डी पॉइंट, गैल्वेनोमीटर यहां लगा हुआ है, एक अननोन रेजिस्टेंस था, दिस इज द अननोन, एक स्टैंडर्ड था, दिस इज द स्टैंडर्ड वन स्टैंडर्ड। अब हमें क्या करना है, हम इस वायर को, ये हमने एक लूज एंड छोड़ा हुआ है, डी पॉइंट पे लूज एंड है, यहां पर एक मीटर स्केल लगा हुआ है जो आपका फिक्स है बिल्कुल, इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आपको पर मीटर का जो रेजिस्टेंस है आपका उसको आर सी एम आप मान लीजिए, दैट इज रेजिस्टेंस फॉर वन मीटर, एक मीटर का रेजिस्टेंस इतना है, तो दो मीटर का टू टाइम्स, थ्री के लिए थ्री टाइम्स एंड सो ऑन। अब हम क्या करेंगे, इस लूज एंड को इस पूरे स्केल पे मूव करवाएंगे टू गेट अ जीरो डिफ्लेक्शन, हम इसको यहां यहां हर जगह मूव करवाएंगे, जहां जिस पॉइंट पर हमें इसमें जीरो डिफ्लेक्शन मिल जाएगा, इट मींस दैट गिव्स अस द कंडीशन ऑफ बैलेंस। बैलेंस कंडीशन में क्या होता है, आर अपॉन एस इज इक्वल्स टू दिस रेजिस्टेंस इक्वल्स टू दिस रेजिस्टेंस, यही पढ़ा था हमने अभी, दैट आर फोर बाय आर थ्री इज इक्वल्स टू आर टू बाय आर वन, this by this is equals to this by this, तो यहाँ पर क्या होगा, this upon this is equals to this resistance upon this resistance, let's suppose ये point एक end से L1 distance पे हमको मिला, total 100 centimeter का ये एक scale है, तो अगर ये L1 है तो ये कितना हो जाएगा, 100 minus L1, अब वही balance वाली condition हम यहाँ पर apply करते हैं, तो वो हो जाएगा R by S is equals to, यहां का रेजिस्टेंस कितना होगा, वन मीटर के लिए आरसीएम है, तो एल वन के लिए कितना हो जाएगा, आरसीएम टाइम्स एल वन अपॉन, यहां का कितना हो जाएगा, आरसीएम टाइम्स हंड्रेड माइनस एल वन, आरसीएम कैंसल्स आरसीएम, आर बाय एस इज इक्वल टू एल वन अपॉन हंड्रेड माइनस एल वन, आपको R निकालना है, S is the standard resistance, इसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी पता होगी, तो अगर ये S क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये यहां चला जाएगा, अब आपका कोई भी अननोन रेजिस्टेंस है उसको आप इस सेटअप में फिक्स करेंगे, ये वाला आपको पता ही है, उसके बाद आप इस लूज एंड को स्केल पर मूव कराएंगे टू गेट द जीरो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर, जब गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन शो होगा दैट गिव्स यू द बैलेंसिंग कंडीशन, बैलेंसिंग कंडीशन में ये आपकी कंडीशन निकल के आई है, तो जो आपका L1 जितना भी यहाँ पे डिस्टेंस आया है वो L1 आपको यहाँ पुट करना है, as you already know and you can calculate R, right? This is the practical setup for Wheatstone Bridge, और इससे हम अपना अननोन रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं इजीली। अब इसके बाद हमारी नेक्स्ट डिवाइस है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर ये तो सिर्फ हमारा अननोन रेजिस्टेंस निकाल सकता था, पोटेंशियोमीटर तीन तीन काम कर सकता है हमारे लिए, देखते हैं क्या है वो तीन काम। तो पोटेंशियोमीटर, तो पोटेंशियोमीटर का ऐसा हमारा सेटअप होता है, और अगर मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊं तो ये जो हमने बेसिकली बनाया है ना, ये वायर थोड़ी लंबी होती है, तो अब अगर हम लंबी वायर को सीधा का सीधा लेंगे तो हमारा इंस्ट्रूमेंट बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, तो इसलिए इसको प्रैक्टिकली कैसे बनाया जाता है कि जो वायर्स होती हैं उसको ऐसे पीसीज में करके लगा दिया जाता है और उनको स्ट्रिप से कनेक्ट कर दिया जाता है, उनके एंड्स को सेम स्ट्रिप से कनेक्ट कर दिया जाता है, सो दैट उनका जो रेजिस्टेंस है, जो कनेक्टिविटी है, वो डिस्टर्ब नहीं हो,
जैसे आप वायलिन या सितार में वायर्स देखते हैं पैरेलली लगे होते हैं, तो अगर आप इसको अपने लैब में देखेंगे तो ये आपको ऐसा ही दिखेगा, पैरेलली कई सारे वायर्स होंगे जो स्ट्रिप पे कनेक्टेड होंगे, बाउंड होंगे, ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वायर्स अलग अलग है, ये इस तरीके से इनकी लेंथ अगर मेजर की जाती है तो इस तरीके से की जाती है कि यहाँ से स्टार्ट, देन दिस दिस दिस, ऐसा स्पाइरल टाइप वो वायर की लेंथ को कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। देखते हैं कैसे वर्क करेगा और क्या क्या वर्क करेगा। पहला काम तो इसका है ईएमएफ को कंपेयर करना, पहला इसका काम है टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ वेरियस सोर्स। दो अलग अलग सोर्स के ईएमएफ को ये कैलकुलेट कर सकता है, सॉरी कंपेयर कर सकता है। तो लेट से ये E1 है एंड देन ये E2 है, दो अलग अलग सोर्स हैं, इसका ईएमएफ E1 है और इसका ईएमएफ E2 है। एट ए टाइम एक ही के लिए काम करेगा। लेट सपोज सबसे पहले हमने ये जो स्विच है इसको E1 के साथ कनेक्ट कर दिया, तो अब मैं एक लूप की बात करती हूँ, ए देन दिस इज द पाथ, और लेट सपोज यहाँ वो पॉइंट है जहां पर हमें इसमें नल डिफ्लेक्शन मिला, यानी जीरो रिफ्लेक्शन मिला, तो ये लूप हो जाएगा। अगर मैं इसको हाईलाइट करूँ इस लूप को, तो पहले वाले के लिए दिस इज द लूप, राइट, दिस इज योर लूप। तो लूप वोल्टेज में केवीएल लगाएंगे, लूप वोल्टेज जीरो करना है। लूप में कितना वोल्टेज आपको दिखाई दे रहा है, एक तो E1 दिखाई दे रहा है, उसके बाद गैल्वेनोमीटर में हमने बोला है कि जीरो रिफ्लेक्शन यानी कि जीरो। और एक चीज और देखना कि जैसे अगर आपका किसी पॉइंट पर यहां पर कोई वोल्टेज है ए पर, वी ए है, अगर आप इस पॉइंट से आगे जा रहे हैं तो आपका वोल्टेज ड्रॉप होगा। ड्रॉप क्यों होगा, क्योंकि वायर किसी ना किसी मटेरियल की बनी है, हर मटेरियल का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से जब उसमें से करंट फ्लो करता है तो वी इक्वल्स टू आई आर के टर्म से वो कुछ ना कुछ वोल्टेज उसमें से ड्रॉ करता है। तो लेट सपोज फाई इज द ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, एक मीटर के लिए फाइ इज द पोटेंशियल ड्रॉप। तो अगर एक मीटर में फाइ है तो दो मीटर में टू टाइम्स ऑफ फाइ, थ्री मीटर में थ्री टाइम्स ऑफ फाइ, तो अगर आपका लेंथ L1 है, L1 लेंथ तक अगर आप चले हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा, फाइ L1, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका फाइ L1। लेट सपोज ये लेंथ यहां पर, ये पूरी लेंथ L1 है, तो यहां तक आने में कितना ड्रॉप हो जाएगा, फाइ L1। क्योंकि ये ड्रॉप है इसलिए इसको नेगेटिव से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये बन गया है हमारा फर्स्ट इक्वेशन, राइट। सिमिलरली जब आप स्विच 3 को 2 से कनेक्ट कर देंगे तो आपका पाथ जो है वो E2 वाला हो जाएगा, E1 डिस्कनेक्ट हो जाएगा, E2 वाला आपका पाथ हो जाएगा, और आपकी जो लेंथ है वो सपोज कहीं L2 पर सेटिस्फाई की, ये आपका नया लूप बन गया। तो वो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन 2 प्लस 0, गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, माइनस फाइ L2, लेट्स से इस केस के लिए जो लेंथ है यहाँ पर वो L2 लेंथ है, ये इक्वल्स टू 0, इक्वेशन 2। दोनों ही इक्वेशन से पहली इक्वेशन को अगर मॉडिफाई करें तो एप्सिलॉन 1 इक्वल्स टू, सॉरी फाइ L1, एप्सिलॉन 2, एप्सिलॉन नहीं है बेसिकली, ये ईएमएफ है आपका E, E2 is equals to phi L2। दोनों इक्वेशन को अगर आप आपस में डिवाइड कर तो आपको दोनों ही सोर्सेस के ईएमएफ का रेशो मिल जाएगा, और रेशो मिलना ही कंपैरिजन कहलाता है। मान लीजिए कि आपका ये L1 आया है, 2 L2 आया है, 4, तो आप कह सकते हैं ना कि दिस इज 2 टाइम्स ऑफ दिस वन। तो आप दो सोर्सेस को ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हैं यूजिंग पोटेंशियोमीटर। ये तो उसका हो गया एक एप्लीकेशन। सेकेंड एप्लीकेशन क्या है, सेकेंड एप्लीकेशन ये है कि अगर इसमें से एक भी ईएमएफ आपको पता हो, लेट से आपको E2 की वैल्यू पता है, तो आप E1 निकाल सकते हैं। अगर आपको एक नोन सोर्स दे दिया जाए तो दूसरा वाला आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दूसरा एप्लीकेशन क्या है, टू कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ
अ सोर्स. आप इससे ईएमएफ कैलकुलेट भी कर सकते हैं अगर आपको एक का ईएमएफ पता है तो. नेक्स्ट नेक्स्ट वाला है टू कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सोर्स. किसी सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस अगर आपको कैलकुलेट करना है तो वो भी आप इस डिवाइस से कर सकते हैं. टू कैलकुलेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सोर्स. उसका सेटअप देखेंगे कैसा होगा. जिसका आपको दोबारा बनाते हैं हम लोग. बहुत सारा इसमें ये पॉइंट ए था. जिस भी सोर्स का आपको इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करना है उसको आप यहां लगाएंगे. ये सोर्स लगाया है आपने, उसके साथ आप लगाएंगे एक रेजिस्टेंस बॉक्स. रेजिस्टेंस बॉक्स जिसमें आपके पास बहुत सारे रेजिस्टेंसेस अवेलेबल हैं. एंड देन अगेन सेम सेटअप, गैल्वेनोमीटर जिसका एक एंड लूज है जिसको आप कहीं पर भी टच करा करके लेंथ निकाल सकते. तो अगर आप इसमें देखेंगे कि एक लूप तो आपका बिल्कुल पहले की तरह बन रहा है. अगर आप लूप लगाएंगे तो ए वाला, अगर आप ई वाला लूप लेंगे तो दिस, ये लूप अगर आप लेंगे तो आपको सेम इक्वेशन मिलेगी. और सेम इक्वेशन क्या होगी, ई इक्वल्स टू फाइव एल वन. ठीक है, अगर आप ये वाला लूप लेंगे तो यहाँ रेजिस्टेंस बॉक्स है. अच्छा, ये ई एम एफ और वोल्टेज में फर्क कहाँ आ रहा है. किसी सोर्स का जेन्युइनली जो उसके पास एक्यूमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो उसका ईएमएफ बनाता है. लेकिन सेल को बनाने में भी कुछ ना कुछ आपका मटेरियल लगा है, वो मटेरियल कुछ ना कुछ पावर उसकी जरूर ड्रेन कर लेगा, कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप उसमें जरूर आएगा. वो किसकी वजह से आ रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से. तो जो बाहर हमें यूजेबल जो हमें मिलता है उसको हम वोल्टेज बोलते हैं, और जो सोर्स जनरेट करता है वो ईएमएफ होता है. तो अगर आप इसकी बात करेंगे तो यहाँ से वी जो आएगा आपका, ये वी कितना आ जाएगा आपका, अगर V के लिए आ गया आपका 5L2. ठीक है, किसी L2 लेंथ पर ये सेटिस्फाई किया 5L2. अब इसमें क्या होगा आपका, E को अगर हम ओम्स लॉ के टर्म्स में देखें तो इट इज I एंड टोटल R. EMF is IR, लेकिन R कौन सा, टोटल R. टोटल R मतलब R जो सिस्टम का है, जो सर्किट का है, प्लस जो इंटरनल R आपका है. अगर V की बात करें तो V equals to IR. ठीक है, दोनों की वैल्यूज पुट कर देते हैं, E और V की. E की जगह पर हम रख रहे हैं I R प्लस R, और इसकी जगह पर रख रहे हैं IR. अगेन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे, phi cancels phi, I cancels I, तो आपके पास जो इक्वेशन बचेगी वो ये है. राइट, हमें निकालना क्या है, स्मॉल R. तो अब हम क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. तो अगर कैपिटल R डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम, दिस गिव्स यू 1, तो ये हो जाएगा कैप स्मॉल R बाय कैपिटल R इक्वल्स टू L1 बाय L2 माइनस 1. ये 1 हो गया आपका, इधर प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा. देन आपको स्मॉल R निकालना है तो कैपिटल R को भी उधर ही शिफ्ट कर देते हैं. तो ये हो जाएगा आपका स्मॉल R इक्वल्स टू कैपिटल R L1 by L2 minus 1. This is the formula जिससे आप अपना internal resistance calculate कर सकते हैं. इसको हम यहाँ पर fairly लिख लेते हैं. Small R can be calculated by R. Resistance box में उस time पे हमने जितना resistance set किया है, पहले loop के लिए जो length आया है upon दूसरे loop के लिए जो length आया है minus 1. This is the final formula. ठीक है, क्या पढ़ा है हमने इसमें, मीटर ब्रिज पढ़ा है आपने, जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है व्हीटस्टोन ब्रिज का. और व्हीटस्टोन ब्रिज किसका एप्लीकेशन है, क्रिचॉफ्स लॉ का.
उसके बाद पोटेंशियोमीटर पढ़ा है, क्योंकि उन दोनों से ही हम सिर्फ अननोन रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, बट इससे हम ईएमएफ ऑफ सोर्सेज को कंपेयर कर सकते हैं, किसी सोर्स के ईएमएफ को कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम किसी सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग।